मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ जिसके माँ बाप ने उसकी शादी एक अमीर घर में कर दी ताकि मैं खुश रहूँ। पर शादी के बाद मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और चाहकर भी अपने लिए कोई डिसीज़न नहीं ले पाई। ये है मेरी कहानी, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और बता भी, शादी कर लिया तूने? बताया भी नहीं। अरे यार प्रिंस, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ ना यार, टाइम ही नहीं मिला यार। अबे रहने दे यार। और बता, भाभी कहाँ है? भाभी अपने घर गई है। बस सिट यार, भाभी से तो मिलने आए थे यार। चल कोई नहीं, तेरा ही घर है यार, दोबारा आ जाइयो फिर मिल लियो। अच्छा तुझे विक्की की बात बताता हूँ, वो अपने कॉलेज में सिमरन नहीं थी, उससे शादी कर रहा है विक्की। अबे वो सिमरन? हाँ भाई वही सिमरन। अरे वो तो बहुत सुंदर थी यार, पता नहीं यार कैसे पटा लिया यार इसने। क्या बात है? अरे भाभी, ए, किसी को भी भाई बोल देता है, मेड है यार। जी मम्मी जी, मैं आपकी ना अभी से बात करवा दूंगी। मम्मी जी लगता है कोई आया है, मैं पानी लेके जाती हूँ। भैया नमस्ते। अच्छा अभी मम्मी जी का कॉल आ रहा था, एक बार बात करें ना, आई गेस कुछ अर्जेंट था। भाई यार इतनी भी क्या जल्दी शादी की थी, जो भाभी को मेड बताना पड़ रहा है यार। अभी यार कॉलेज में तो बड़ी अच्छी अच्छी लड़की घुमाता था यार, तू तो बोलता था मेरी बीवी बड़ी हाई फाई होगी, ये तो मुझे कहीं से हाई फाई नहीं लग रही, बहन जी टाइप की लग रही है, तेरे से अच्छा तो अपना विक्की निकला यार। यार बुरा मत मानिए, मजाक कर रहा था। तू तो जानता है ना यही ऐसा यार, कम से कम शादी करी थी, कम से कम ढंग की लड़की तो लाता यार। यार बस क्या बताऊँ, मम्मी पापा ने करवा दी। चल यार अब तो हो गई शादी, अब तो कुछ हो नहीं सकता। चल यार चलते हैं, शाम को मिलते हैं। चल ठीक है। मैंने तुझे बोला था अपनी मनोज शक्ल वहां लेके आ जाइयो। मंगाया था मैंने पानी तुझसे, वहां जो पानी लेके आई थी। मुझे हजार बार बुलाई है अपनी इतनी सुंदर शक्ल लेके, जब कोई आता है बाहर मत आया कर। कितनी अकेली थी वो राही हम चल पे, अब तक अकेले चलते रहे तुझसे भी ने सारा सामान ले लिया है ना? हाँ जी ऑलमोस्ट सारा ले लिया। देख मैं बार बार नहीं आऊंगा तेरे साथ, बता दिया है मैंने। हाय बेबी। ओ तो मैडम भी है साथ में, आई डोंट केयर। यार इतने दिन हो गए हम कहीं घूमने भी नहीं गए, चलो ना अभी चलते हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं, क्यों नहीं। अच्छा तू ठीक है, घर चलिए, मैं शाम को आऊंगा देख थोड़ा। लेकिन मैं इतना सारा सामान लेके जाऊंगी कैसे? यार इतने ऑटो चल रहे हैं कि इससे भी चली जा, मैं ही छोड़ के आऊंगा तुझे। तेरे ही दम में जलती रहे तूने किया। हाँ एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछ। अभी वो लड़की कौन थी जो मार्केट में मिली थी? कौन थी क्या मतलब है, गर्लफ्रेंड थी मेरी? अभी मैं वाइफ हूँ तुम्हारी। तो वो तो मजबूरी थी मेरी, माँ बाप ने शादी करा दी, वरना तुझ जैसी शादी करता मैं। लेकिन अभी मैं क्या, लेकिन शर्म आती है मुझे अपने साथ तुझे ले जाने में, अपने आप को मुझे देखा है तूने? अभी लेकिन क्या, लेकिन है क्या, लेकिन तुझे पता है ना मुझे पसंद नहीं बिल्कुल कोई मुझसे बहस करे। क्या करे हैं, क्या करे हैं? हाँ तो इस बात को ना दिमाग में डाल ले, ठीक है ना? मेरा दे कोई है नहीं तेरे बिन, तेनू मिले जांदा किस दा सहारा। अच्छा सुन, ऑफिस जा रहा हूँ मैं, ठीक है? अरे बेल बजे तो सुनाई नहीं दे रही क्या, खोल इस गेट को। अरे भैया आप आओ, अंदर आओ। और
और घर में सब ठीक है साहिल? हाँ जी 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 सब बढ़िया। और कैसा है आवाज? बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा कि हिम्मी से थोड़ा मिलते हुआ चलूं। अरे तू परेशान क्यों हो रही है, आजा बैठ जा। आपने बुलाया? सुन मेरी बात, अगर इसके सामने मुंह खोली ना तो अपना सामान पैक करके ना इसी के साथ चली जाइयो। पापा से पूछ लो जाकर, बिना वादे तुझे चाहा बहुत आई। चल साहिल भाई चलता हूँ मैं फिर ऑफिस। ठीक है आराम से बैठो आप। हाँ हिमांशी मैं निकल रहा हूँ फिर ऑफिस में, ध्यान रखिएगा। अरे पता है मम्मी दो दिन में पूजा करवा रही है तो तू जीजा के साथ आ जियो। हाँ भैया मैं आ जाऊंगी। अरे चोट कैसे लगी तेरे को? भैया ये वॉशरूम में स्लिप हो गई थी मैं। और कितना चोट लगा यार? नहीं नहीं इतनी नहीं है, टेंशन मत लो, बस ऐसे ही गिर गई थी। अच्छा हिम्मी तू खुश तो है ना? हाँ भैया ये कैसी बात पूछ रहे हो, मैं खुश नहीं मैं बहुत खुश हूँ, आप टेंशन मत लो। चल मैं भगवान से ही चाहता हूँ कि तू हमेशा खुश रहो। अच्छा चल ठीक है मैं चलता हूँ, ठीक है टाइम हो गया काफ़ी, मैं चलता हूँ भाई। हिमांशी जब वो तुझे परेशान कर रहा है तो तू ये सब क्यों सह रही है, छोड़ क्यों नहीं देती उसे? यार तुझे पता है ना मेरे घर की हालत, कितने गरीब घर से हूँ, कितने मुश्किलों से मेरे घर वालों ने शादी की है, और अगर ये सब छोड़ छाड़ के वापस चली जाऊंगी तो क्या बीतेगी उन पे? मैं समझ सकती हूँ, चल ठीक है। चल कोई बात नहीं, अच्छा अब मैं रखती हूँ, वो आते ही होंगे। क्या हुआ बेबी, बड़े परेशान से लग रहे हो? अरे यार क्या बताऊँ, बस तूने तो देखा ही था मेरी वाइफ को कैसी है, काली सी बुरी सी। यार कसम से मैं कहीं जाता हूँ ना मुझे शर्म आती है अपने साथ उसे ले जाने में। अरे यार तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना, मुझे लेके जाया करो पार्टी से। हाँ यार उसे कहाँ लेके जाऊँगा, वैसे भी इतनी बुरी सी, माँ बाप ने मेरे पल्ले बांध दी खाम खामे। चलो छोड़ो उसे, ये ड्रेस देखो, ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। हाँ अच्छी है यार, मुझे लेनी है ये, तुम दिलाओगे? हाँ तो कर ले ऑर्डर कर ले। और मुझे ना कुछ पैसों की भी जरूरत थी। कोई बात नहीं मैं डलवा दूंगा। अच्छा आज मम्मी जी के यहाँ पे जाना था, पूजा है। अरे तू चली जाना अपनी मम्मी के घर, मेरे बस की नहीं है जाना। चलो बेबी आज ये तो है नहीं तो कहीं चल के शॉपिंग वॉपिंग करके फिर शाम को घर चलते हैं। अरे तू तू तो मम्मी के यहाँ जाने वाली थी। हाँ मैं गई थी लेकिन जल्दी आ गई थी। तो खड़ी क्या? अभी क्या हुआ, तभी ठीक है तो मत जाओ आज ऑफिस। यार ये बेकार की हमदर्दी ना, मेरे साथ मत जाता, ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। प्लीज अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है। मैडम सर को अटैक आया, आप जल्दी एम्बुलेंस हॉस्पिटल आ जाइए। देखिए आप घबराइए मत, यू डोंट बी स्केयर, अभी वो ठीक हैं, बट उन्हें पैरालाइज का अटैक आया था, फिलहाल हमने मेडिसिन दे दी है उन्हें, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि वी विल डिस्चार्ज हिम टुमारो। और हाँ मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म कर दूँ, मेडिसिन थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा बट वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्या हुआ जीजा जी को? भैया उन्हें पैरालाइज का अटैक आया है। चल चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा।
आपके लिए, फिर बाकी की दवाई खिला दूंगी। अरे विक्की भैया। नमस्ते भाभी, अब अभी की तबीयत कैसी है? बस ठीक है भैया। आपने बुलाया था मुझे? हाँ भैया, एक मिनट में आ रही हूँ। भाई जल्दी ठीक हो जाएगा यार तू। भैया एक्चुअली में इनकी दवाइयाँ बहुत कॉस्टली आ रही हैं, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। ये मेरी कुछ ज्वेलरी है, प्लीज़ अगर आप इसको बेच के कैश अरेंज करवा दो। भाभी ये? भैया प्लीज़ मुझे ज़रूरत है। चलो मैं अरेंज करता हूँ। पता है अभी की बहुत तबीयत खराब है, तू नहीं गई देखने? मैं कल परसों ही उसे देख के आया था। अरे छोड़ ना, कौन जाए उसे देखने, और वैसे भी तुझे तो पता ही है उनके हालात कितने खराब चल रहे हैं, और उसकी बीवी ने शायद 2-3 दिन पहले विक्की को कुछ ज्वेलरी भी दी थी, और वैसे भी उसका इतना पैसा है मेरे पास, कहीं उसकी बीवी मुझसे ना मांग ले। जब हो जाएगा ठीक तब चली जाऊंगी देखने। एक ही दिल था मेरे सीने में, वो भी तुझको दिया, तेरे हाथों से मेरा कत्ल महफूस किया। सांसें रुकने पे मजबूर हुई। मम्मी आपको पता है अभी में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, आज उन्होंने अपना हाथ हिलाया है, मैं बहुत खुश हूँ। आप टेंशन मत लो, अभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, रखती हूँ मैं। सॉरी हिमांशी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, कभी अपनी वाइफ की तरह आपको रिस्पेक्ट भी नहीं दी। आप एकदम ठीक हो गए हो, मेरे लिए वही बहुत है। और ये सब जो हुआ है ना, मेरी प्यारी वाइफ की वजह से हुआ है। तुम मिले तो अब क्या है कमी, तुम मिले तो दुनिया मिल गई, तुम मिले गया आसरा। हेलो गाइस, कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल जरूर वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा देना। बाय।